नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आप लोग जो है कई दिनों से कह रहे थे कि संतोष भाई हमें अदरक कैसे लगाना है उसके बारे में जानकारी दो, तो आज हम सीधे आए यहाँ पे। जिंजर का कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा, यहाँ पे 4 एकड़ का कल्टीवेशन हो रहा है। तो उसके बारे में डिटेल में आज हम जानकारी लेंगे कि जिंजर कब लगाया जाता है, खेत को कैसे तैयार किया जाता है, बेड कितना होना चाहिए और सीड्स जो है कैसे होना चाहिए, सीड्स कैसे भाव क्या भाव मिलता है, वैरायटी कौन सी बेहतर यहाँ पे लगाई जा रही है। आज का वीडियो बहुत ही पूरा डिटेल में हम जिंजर कल्टीवेशन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटली 4 एकड़ का प्लॉट है, यहाँ पे देख सकते हो, और जिंजर कल्टीवेशन चल रहा है। तो जिंजर कल्टीवेशन सबसे ज़रूरी क्या होता है कि टाइम कौन सा होना चाहिए। टाइम जो है अप्रैल मई का होता है बेहतर जिंजर कल्टीवेशन में। उसके बाद क्या होता है कि सॉइल सिलेक्शन, मतलब ज़मीन का सिलेक्शन हमको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में फिर सोचना चाहिए। तो ज़मीन कैसी होनी चाहिए जिसमें वाटर ड्रेनेज अच्छा हो, जैसे कि चिकनी मिट्टी आप लेते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल लेते हैं, उसमें क्या होता है कि पानी पकड़े रहता है। अगर पानी पकड़े रहेगा तो ये जो जिंजर है ज़मीन के अंदर जो अदरक लगता है, अदरक को सड़न लग जाएगी और अदरक की ग्रोथ नहीं होगी और कई सारा वहाँ पर डिजीज़ आएगा, जैसे कि डंपिंग होता है, कॉलर रॉट होता है या तो ब्लाइट होता है, कई सारे तमाम दिक्कतें आती है, निमेटोड होता है। तो पानी नहीं रुकना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। उसके लिए आपको क्या है कि सॉइल सिलेक्शन जो है वाटर ड्रेनेज वाली ज़मीन रहनी चाहिए। सैंडी क्ले सॉइल चलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा वो बेहतर रहती है, जैसे कि हमारी लाल मिट्टी होती है और यहाँ पे जो मिट्टी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो खुदाई होती है, इस तरीके से मिट्टी रहनी चाहिए। दोस्तों ज़मीन का जो पीएच जो है 6.5 से 7.5 रहना चाहिए और पीएच बहुत मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर डिसबैलेंस होता है, अगर सॉइल टेस्ट आपने नहीं किए तो सॉइल टेस्ट ज़रूर कीजिए। सॉइल टेस्ट के ऊपर आपको पता चलेगा कि ज़मीन का पीएच क्या है, ऑर्गेनिक आपका कर्व कितना है ज़मीन के अंदर, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट हुआ, एनपीके की मात्रा आपके ज़मीन में क्या है, उसके अनुसार आप सारी चीज़ जो है मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी, हम लोगों ने ज़मीन का सिलेक्शन किया, उसके बाद क्या है कि ज़मीन में मशागत, मतलब उसको कहते हैं जुताई करना। अब जुताई कैसे करनी पड़ती है, अगर हमने उस खेत का कभी यूज़ नहीं किया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हिसाब से पहली बार प्लांटेशन हो रहा है, इस खेत को अच्छे से बनाया गया है, डेवलप किया गया है बहुत ही सही तरीके से, तो इसकी जुताई करने में सबसे पहले तो क्या है हमको प्लाव चलाना पड़ता है। कम से कम 1 फीट 1.5 फीट के अंदर हमको प्लाव चलाना चाहिए। ज़्यादा डीप चलाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पत्थर बहुत वहाँ पे निकल जाएंगे, तो 1 फीट तक प्लाव चलाइए, 2 बार प्लाव चलाइए, धूप अच्छी लगनी चाहिए। जैसे कि जिनका फार्म है उनसे मैंने बात की, उनका कहना है कि सोलराइजेशन होना चाहिए, मतलब धूप अच्छी तगड़ी लगनी चाहिए ज़मीन को। जब धूप लगती है तो वहाँ पे ज़मीन की जो इकोलॉजी है वो मेंटेन हो जाती है और उसमें जो निमेटोड्स है या तो जो कोशावस्था में कीड़े वगैरह रहते हैं वो ऊपर आते हैं, वो मर जाते हैं, इससे ज़मीन की बेहतर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में ज़मीन को जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए गर्मियों के सीज़न में 1.5-2 महीने तक ज़मीन को धूप में रखा जाता था, वैसे ही प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हर ज़मीन को ये करना चाहिए, उससे ज़मीन हमारी अच्छी रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है हमारी जुताई में, पहले प्लाव चलाया फिर रोटर चलाना है 2-3 बार, ज़मीन को इतना भुरभुरा करना है दोस्तों कि एकदम हल्की हो जाए ज़मीन, क्योंकि अदरक एक ऐसी चीज़ है कि ये ज़मीन के अंदर बढ़ती जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, उसके बाद हमारी बात आती है दोस्तों कि ज़मीन में बेसल डोज क्या डालना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना आपकी फसल अच्छी नहीं आती। तो अदरक के लिए बेसल डोज में हमको पहले तो क्या है कि गोबर का जो सड़ा हुआ खाद होता है वो कम से कम 5 से 6 ट्रॉली, इनका कहना है, रिकमेंड इन्होंने मुझे किया कि कम से कम 5 ट्रॉली, उसके ऊपर अगर अच्छा उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो 10 ट्रॉली आपको गोबर का खाद चाहिए। उसके बाद आपको एनपीके में 10 26 26 चाहिए, डीएपी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, सेकेंडरी में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये भी डालना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें डालने में अदरक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अदरक की फसल जो है 9 महीने की है दोस्तों, उसके बाद आप इसको ज़मीन में 15 महीने तक रख सकते हैं। तो उसके बाद हमको क्या ज़रूरी है कि ये सीड का सिलेक्शन, दोस्तों ये जो है माहिम वैरायटी है आपके सामने, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये सीड है। कई सारे वैरायटी अलग अलग आती है, अपने अपने एरिया के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जब सीड सिलेक्शन करते हैं तो लगभग जो प्लॉट अच्छा हो रहता है, मतलब जिसकी हाइट अच्छी रहती है, 8 से 9 महीने का प्लॉट जो डेवलप हुआ रहता है, वो सीड लेना ज़रूरी होता है। और सीड निकालने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है कि ये देख सकते हैं पूरा तसला में यहाँ पर निकाला है, इसके ऊपर डिसइंफेक्शन किया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सीड पहले आपको, जब आप सिलेक्शन करते हैं, जब आप किसी से लेते हैं खरीद के,
तो उसको कुछ दिन सुखाना पड़ता है, जैसे कि उसमें जो मिट्टी रहती है, जड़े रहते हैं, पूरा साफ सूफ करके उसको 15-20 दिन तक ऐसे सुखा के तब लिया जाता है। सुखा के जब लेंगे आप इसको 15-20 दिन, तो कम से कम 50 ग्राम से 75 ग्राम तक एक टुकड़ा रहना चाहिए ये अदरक का। और इसको जो है मैनकोजेब या तो कार्बेंडिज़म और क्लोरोफायरीफॉस ये चीज़ों में पूरा डुबो के निकालना है जर्मिनेटर में। जब डुबो निकालते हैं उसके बाद सीधा प्लांटेशन में लेना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए बेड प्रिपरेशन कैसे होता है, 4.5 फीट के हिसाब से होता है, यानी कि जैसे हम लोग शिमला मिर्च का बेड प्रिपरेशन करते हैं उस हिसाब से होता है। जैसे कि गैप बहुत रहना चाहिए, क्योंकि अदरक यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 4.5 फीट का बेड है, यहाँ पे बीच में स्पेस है और यहाँ पे लगाया जाता है लगभग 2 बीच का। यहाँ पे अदरक में 8 से 9 इंच का स्पेस रहना चाहिए और ऐसे जो है 1 फीट का रहना चाहिए इनके हिसाब से। अभी क्या हुआ है कि बेड की हाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन बरसात की वजह से ये बेड बैठ गया है। लगभग बेड की हाइट जो है 1 फीट के हिसाब से इतनी बड़ी होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाया कैसे जाता है अदरक, तो सीधा तरीका है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सामने सामने लगता है, जिगजैग नहीं लगता, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे खोदा इसको। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ है, जब आप अदरक लगाते हैं तो इस टाइप का 50 से 75 ग्राम तक रहना चाहिए, और ये बस जमीन के अंदर ऐसे मुन जाए बस इतना ही रखना पड़ता है बस। इसमें ज़्यादा ऐसा डीप डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे डाल दिया। और ये अंतर बहुत ज़रूरी है, ऐसे 1 फीट और ऐसे जो है 8 से 9 इंच, 8 इंच तक, तब ये बहुत ज़रूरी है। और बेड मैंने जैसे कि बताया 4.5 फीट के हिसाब से आप छोड़ सकते हैं, तो ऐसे आप अदरक जो है लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में आपको सीड कितना लगेगा, 1000 से 1100 किलो आपको यहाँ पे टोटली सीड लगेगा। अगर आप खरीदते हैं तो आपका लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये सीड में जाएगा। अगर आपका खुद का है तो आप उसको सुखा के अच्छे से लगा सकते हैं, वहाँ पे आपकी पैसों की बचत हो जाएगी। और आपके एरिया के हिसाब से आप जो है वैरायटी का चुनाव ज़रूर कीजिएगा। अगर इरिगेशन की इसमें बात करें तो आपको, ये तो कल्टीवेशन तो हो गया, बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन इरिगेशन में आपको ड्रिप इरिगेशन लगानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे डबल लाइन है, ये देख सकते हैं। इस डबल लाइन का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमने डबल लाइन से हमने लगाया है अदरक, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों है, ऐसे बिछाना पड़ेगा, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। और ये अदरक जो है 25 दिन बाद ये ऊपर आके फूटने लगता है, तो थोड़ा बहुत जब फूट जाता है तो इस बेड की हाइट उठानी पड़ती है। तो एक छोटा पावर टिलर से फिर हम इसको थोड़ा सा उठा लेंगे, उठा लेने के बाद पूरा ये बेड जब तैयार हो जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने बाद, जैसे गन्ने में हम सपोर्ट देते हैं, फिर से एक बार मिट्टी का सपोर्ट देंगे तो अदरक वहाँ पे और बढ़ने लगेगा। तो जब अदरक जो है 8 से 9 महीने का हो जाएगा तब ये हार्वेस्टिंग पे आएगा। लगभग 1 एकड़ में इसका उत्पादन 15 से 20 टन के आसपास आपका निकलता है, और मार्केट रेट मिनिमम 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तो रहता ही रहता है, उसके ऊपर 50 रुपये 100 रुपये वो तो मार्केट की बात, अपने किस्मत की बात है जो भी रेट रहे उसके बाद। तो दोस्तों ऐसे जो है इस तरीके से मतलब अदरक का कल्टीवेशन किया जाता है हमारे यहाँ पे। फिलहाल तो हमारा अदरक का तो बेल्ट नहीं है, मतलब अदरक हमारे यहाँ तो नहीं लगाया जाता, लेकिन यह है कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अदरक इनका जो है पहले से 2-3 एकड़ है, फिर अभी 4 एकड़ लगा रहे हैं। अभी ये अक्टूबर नवंबर के महीने से जैसे कि ठंडी चालू हो जाती है, उसके बाद ये अदरक हार्वेस्टिंग पे धीरे धीरे आएगा, निकाल के मार्केट में जाएगा। और ठंडियों के दिनों में इसको मार्केट भी रहता है, क्योंकि चाय के वगैरह में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हर जगह पे अब अदरक का जो है यूज़ ज़्यादा ही होने ही लगा है। जब अदरक यहाँ पे 25 से 3 बार उग जाएगा तो उसके बाद लगभग 1-1.5 महीना रुकेंगे, उसके बाद इसमें जो है फर्टिगेशन चालू होगा इसी ड्रिप इरीगेशन से, और उसके बाद जो है यहाँ पे स्प्रेइंग शेड्यूल वगैरह पूरा चालू हो जाएगा। इस तरीके से पूरे इस अदरक को मैनेजमेंट किया जाता है, और पानी के लिए कुछ स्प्रिंकलर्स वगैरह भी इसमें यूज़ किया जाता है, मिस्टर्स यूज़ करते हैं। फ्लड इरीगेशन से बेहतर है ये आप ड्रिप इरीगेशन ही यूज़ करें, इससे क्या होगा कि आप फर्टिगेशन करने में आसान जाएगा आप आगे जाके, और आपकी यील्ड भी अच्छी आएगी। तो ये सारा फ़ायदा होता है दोस्तों इस चीज़ का। तो इस तरीके से यहाँ पे अदरक का कल्टीवेशन चल रहा है। अगर इसके बारे में आपको कुछ शंका हो तो कमेंट में आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।